आगरा के अंदर तीन ही चीज मशहूर है, पहला ताजमहल, दूसरा पेठा और तीसरा देखो ये ऑटो वाले भैया जो पूरा लगा देते हैं जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शरीफ एंड यू आर वाचिंग एम शरीफ व्लॉग। तो दोस्तों आज आपके शरीफ भाई आपको एक कुछ अलग वीडियो दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं आगरा और अपने कजन्स के साथ में। तो सारे गाड़ी में बैठे हुए हैं, अभी हम लोग एक्सप्रेस वे पे हैं और ये मैं आपको दिखाऊँ तो देखो एक्सप्रेस वे अभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी हम एक्सप्रेस वे पे राइड शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले रफीक भाई से मिलाता हूँ। रफीक भाई हाई कर दो सबसे पहले। और अभी हमारे साथ में यहाँ पे अपने सहबाज भाई हाई कर दो। हाई पूरी फैमिली को आपकी पूरी। तो सहबाज भाई आपको पहले भी देखा होगा, सहबाज भाई को एक बार हम कानपुर गए थे उस व्लॉग में थे सहबाज भाई। जमाल भाई है हमारे साथ में। तो आज हम लोग सब राइड करने वाले हैं, कम फैमिली अभी मैरिज में जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरा राइड करके जाने वाले हैं एक्सप्रेस वे पे, आप देख सकते हो। और आपको कुछ एक्सप्रेस वे पे कुछ चीज़ें और दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ लोगों को देखा था जो बाइकर जो है राइड कर रहे थे, पूरा ग्रुप था यहाँ पे वो राइड कर रहे थे। तो देखते हैं कुछ उनके भी शूट आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो कुछ स्टंट भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ स्पेशल वीडियो आज की होने वाली है। तो चलो थोड़े से राइड को एंजॉय करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बाइकर के शूट भी। मथुरा के आसपास हम आ चुके हैं तो वहाँ पे रुक गए हैं अभी, यहाँ पे जो रेस्ट एरिया है तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ हम लोग रुक के अभी वॉशरूम वगैरह जाएंगे और थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे, चाय वाय पीते हैं, यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये रोड देखो, इस तरफ से मैं दिखाऊँ तो ये अपना दिल्ली की तरफ से आ रहा है ये रोड, नोएडा की तरफ से, और ये इस तरफ आगरा की तरफ ये रोड जा रहा है। अभी हम लोग जेवर के आसपास जब हम पहुंचे थे तो पूरा एक बाइकर्स का ग्रुप था, तो जो एक्चुअल में जो राइडर वो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टैंड किए थे और बहुत मज़ा आया था देखने में, आप लोगों को भी ज़रूर मज़ा आया होगा। सुबह सुबह आए यार, घर से 5 बजे निकले हुए हैं तो बनता तो है ये। सबसे पहले वॉशरूम गए, अब यहाँ पर जाके थोड़ा सा ये देख सकते हो यहाँ पर रेस्टोरेंट है जो कि एक्सप्रेस वे पर मथुरा के यहाँ पर जो है यहाँ पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, क्यों भाई नाश्ता वास्ता कुछ किया जाए, कुछ चाय वाय पीते हैं। पहले वैसे तो मेन चीज़ बताऊं, यहाँ पे मिलता है सब कुछ महंगा और अपन है देसी लोग तो पहले पियेंगे कहीं कुल्लड़ वाली चाय। चलो तो एंजॉय करते हैं, आप भी स्पेशल चाय पियेंगे तो आप थोड़ा सा बिल्कुल, और अब जाके आप भी एंजॉय करो। अब राइड को हम कंप्लीट दोबारा से करते हैं आगरा की तरफ के लिए मथुरा से। रामबाग से वाटर बॉक्स, वहाँ पे अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं और रफीक भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं पूरे, आज पूरा लेके आए हैं दिल्ली से आगरा तक। तो अब आगरा में एंट्री कर चुके हैं, पहले अभी यार सबसे पहले तो ढूंढ रहे हैं कहीं पे चाय मिल जाए मस्त सी, अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, अब देखो कहाँ मिलेगी कुल्लड़ वाली चाय। पहले तो चाय पियेंगे फिर आराम से पहुँचेंगे शादी में। रफीक भाई कह रहे हैं CNG भरा ली जाए पहले, तो देखो CNG की लाइन कितनी लंबी है आगरा में, तो पहले CNG भरवा लें गाड़ी में। ये दोस्तों लाल किला है आगरा किला, लाल किला तो दिल्ली में ही, आगरा किला है। देखो ये बैक साइड से हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग आए हैं जमुना के ऊपर से क्रॉस करके, तो अब ये आगरा किला देखो, इसका फ्रंट भी आपको दिखाएंगे। ये है जी आगरा का मेन गेट, आगरा किला का दिखे तो यहाँ से नहीं दिख रहा, ये आगरा किला। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आगरा के अंदर तीन ही चीज़ मशहूर है, पहला ताजमहल, दूसरा पेठा और तीसरा देखो ये ऑटो वाले भैया जो पूरा लगा देते हैं जाम। और अब आ चुके हैं हम लोग साईं की तकिया मेन चौराया, यही है ना भाई? हाँ, ईदगाह चौराहे के लिए देखो यहाँ से बिल्कुल सीधे जाते हैं और अगेन रेड लाइट,
और आगरा में एक चीज बताऊं, देखो जूम करके आपको दिखेगा यहाँ पे लग गए कैमरे, और अब जो रूल है वो आगरा के लिए भी पूरे पक्के रूल बन गए, डबल हेलमेट का रूल बन गया है। और मतलब पहले एक सवारी ड्राइवर के लिए हेलमेट था बाइक पे चल के जा रहे हैं और पीछे का ऐश करो, अब जो बंदे हैं दोनों के लिए हेलमेट जरूरी है, नहीं तो ये ऊपर वाले जो है ना वो सब देख रहे हैं सारे जगह लगे हुए, फॉलो कर नहीं रहे। देखो कुछ कुछ तो यही खड़े हुए भारी, वो जेब्रा क्रॉसिंग वहां खत्म हो गई और ये आधे में खड़े हुए हैं। हम तो लगाएंगे नहीं, इनका तो इनका कहना तो ये है तुम करो कुछ भी हम तो मानेंगे नहीं, लेकिन अब ऊपर वाला सब देख रहा है कैमरे वाला, भाई ज्यादा ऊपर मत जाओ, तो सारे देख रहे हैं कैमरे से, चला ना रहे खूब दबके सबके। ये आ गए वो ईदगाह बस स्टैंड, ये रहा अपना ईदगाह बस स्टैंड इधर, और अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि कहीं पे मिल जाए कुल्लड़ वाली चाय जो कि हम ढूंढ रहे हैं, क्यों शहबाज भाई? अब देख रहे हैं देखो कहीं पे मिल जाए कुल्लड़ वाली चाय, कहाँ मिलेगी ये ईदगाह मेन चौराया है, चाय 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 इधर कहीं दिखेगी शायद, इधर दुकानें वकानें तो काफ़ी सारी हैं, चाय का नहीं मिल रहा कहीं पे, ये होगी सामने इस पे मिलेगी शायद। अरे भैया चाय मिल जाएगी क्या? पिला यार बढ़िया सी, हम तो इतनी दूर से आए कुल्लड़ वाली चाय के लिए, कुल्लड़ वाली चाय है आपके पास या ये वाली कांच वाले गिलास? ये देखो चाय बन रही है यहाँ पे, और ये इधर हो रहा दूध, तो आप पियेंगे सारे भाई चाय। क्यों भाई? फाइनली हमने ढूंढ ही ली, घूमते घूमते अब जाके इतनी देर में ईदगाह पे बस स्टैंड है पीछे, उसी के पास में यहाँ पे चाय मिल जाएगी। ये ले लिया अब यहाँ पे चाय, और तो चाय पी के पहले से उसे देखते हैं कि चाय का भाई लेके आए मट्टी, क्या नाम है तुम्हारा? अजीत। तो अजीत भाई हमारे देखो खिला रहे मट्टी, हमें मट्टी खाएंगे चाय के साथ में, जगह है नहीं रखने की, ये हो गई मट्टी और ये हो गई चाय। चाय कैसी लग रही है भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास चाय है। फर्स्ट क्लास है ये भाई है चाय वाले, क्या नाम है जी आपका? रामविलास। रामदास, ये रामदास है जी चाय वाले अपने इधर, यहाँ पे ईदगाह का बस स्टैंड है उसके जस्ट पास में ही। अब आ गए आगरा के अंदर में, अब घर जा रहे हैं सबसे पहले, और जो दो भाई है हमारे वो लग गए कुछ खरीदारी में। देखो ये यहाँ पे मुर्गी के बच्चे ले रहे हैं, देखो छोटे छोटे से आपको दिखाऊं, देखो क्यूट क्यूट से यहाँ पे, कैसे बच्चे हैं बताओ, कितने कितने के? 20 के 2 है। 20 के 2 है? हाँ। और ये वाला कितने का है? ये हाँ। 1 10 रुपए का। 1 10 का है। भाई क्या लेने लग गए तुम लोग? ये लग रहा है कुछ खरीदारी में ही लग गए हैं कुछ। क्या ले रहे हो यहाँ से? क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद इमरान। और ये जगह कौन सी है जहाँ पे आपकी ये दुकान है? जे ख्वाजगी सराय है। ख्वाजगी सराय खेरिया मोड़ एयरपोर्ट के पास में, खेरिया मोड़ सब्जी मंडी के पास, स्टेशन के पीछे वाला रोड, पीछे वाला रोड है आगरा कैंट वाला। आगरा कैंट तो ये आप क्या क्या मतलब यहाँ पे देते हो? ये मछलियाँ जो मिलती हैं? ये हमारे यहाँ रंगीन मछली मिलती है, रंगीन मछली में कई ग्रुप आते हैं। अच्छा, जैसे कि टेट्रा ग्रुप, गोल्ड ग्रुप। अच्छा, और गोल्ड ग्रुप और क्या नाम है उसका, चिकलेट ग्रुप। तो ये वाली जो मछली है ये कौन सी है? ये शिवम किंग ग्रुप है। कौन सा है? शिवम किंग गोल्ड। शिवम किंग गोल्ड। और ये जो इसमें पत्थर पड़े हुए हैं ये इसके शो के लिए होते हैं? आर्टिफिशियल पत्थर हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी मछलियाँ हैं, और देखो जिंदा मछलियाँ बड़ी ही सुंदर लग रही है देखने में, देखो पानी के अंदर है। तो ये यहाँ पे पूरे फिश पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो और भी यहाँ पे काफी सारी मछली है। ये वाली कौन सी वैरायटी है ये मछली की? ये गोल्ड फिश में आती है। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश में आती है। ये है मिल्की कार्प। ये मिल्की कार्प है, वाइट वाली जो है ना। और ये जो होती है ये कोई कार्प। कोई कार्प, हाँ इसको बोलते हैं मल्टी कलर कोई कार्प। मल्टी कलर कोई कार्प। तो ये देख सकते हो मछलियाँ एक से एक है। मैं थोड़ा सा और इसको करीब जाके दिखाता हूँ। ऊपर वाले एक्वेरियम में ब्रास गोल्ड। ये कौन सी है? इसको बोलते हैं ब्रास गोल्ड। ब्रास गोल्ड, ब्रास गोल्ड।
ये थोड़ी सी दोस्तों लाइट का थोड़ा सा इशू है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने की। ये वाली देखो, ये मछलियाँ कितनी अच्छी लग रही है। ये डेकोरेशन के लिए होता है सारे। तो ये किस हिसाब से मिलते हैं अपने को यहाँ पे? ये मिलते हैं आपके 150 रुपए का 1 kg। 1 kg किलो के हिसाब से, मतलब किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो देखो काफी सारी चीजें हैं, मछलियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं। अभी तो और आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाएंगे। अभी तो शादी में पहुँचना बाकी है।